ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगौरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ सहनाभवतु सहनौ भोनक्तो सह वीर्यं कारवा वाहई के जस्वेना ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृत यूट्यूब दृश्यम प्रति हार्दम स्वागत मित्रो रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या अष्टच्शदुत शतमी एक सौ अड़तालीसवीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे अभी तक हमने आपको एक कक्षाएं इसकी पढ़ा दी हैं शून्य स्तर से जीरो लेवल से शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के लिए यह कोर्स तैयार किया जा रहा है प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है प्रारंभिक अनुवाद कॉम दी न्यू क्लिक करके आप कभी भी इन कक्षाओं को पढ़ करके सीख सकते हैं तो मित्रों गत कक्षा में हमने आपको इस अट्ठाईसवें अभ्यास का अट्ठाइसवा अभ्यास हमने पढ़ लिया था इसका यह गृह कार्य आपको करने के लिए दिया था ये अनुवाद थे आपके ठीक है ये बीस अनुवाद आपको बनाने के लिए दिए थे आइएगा अब इनको मिलान कर लेते हैं आपने जो किया है उनका मिलान कीजिएगा ठीक है खोल लीजिएगा अपनी पुस्तक और हाथ में पेन ले लीजिएगा ठीक है मिलान करते जाइएगा मैं हिंदी का वाक्य भी बोलता जाऊंगा और संस्कृत का यहाँ पर आपको मिलान कराता जाऊंगा चलिएगा अष्टाविशतम अभ्यास अट्ठाईसवां अभ्यास ठीक संस्कृत बनाओ का विभाग प्रथम बड़ा भाई घर जाना चाहता है तो अग्रज गृह गंत इच्छति द्वितीय छोटा भाई पुस्तक पढ़ना चाहता है अनुज पुस्तकम पठितुम इच्छति तृतीयम मेरी बहन काम करना चाहती है अब देखिएगा मदिया भागिनी कार्य कर तुम इच्छाती। एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं दूसरा ये मदिया मदिया माने मेरी जो बहन है उसको कहा जा रहा है ठीक है ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्री मदिया माने मेरी बहन यहाँ पर आप मदिया के स्थान में आपने मम लगाया है मामा भागिनी कार्यम कर तुम इच्छती वही अर्थ है मम भी लगा सकते हैं मदिया भी आप लगा सकते हैं ये पीछे अभ्यासों में हमने पढ़ लिया था मदी आदि आदि ठीक है तो दोनों में से जो भी प्रयोग किया है वो सही है आपका चतुर्थम मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं अहम पठितुम विद्यालय गच्छामि पंचमम चाचा दादा और मामा भोजन खाने को घर जाते हैं पितृभ्य पितामह मातुलश्च भोजनम खादि गृह गच्छन्ति ष्ठम मेरा पौत्र यह काम कर सकता है मामा एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोति सप्तमं राम पाठ पढ़ने को फल खाने को प्रश्न पूछने को लेख लिखने को जल पीने को भोजन खाने को और खेल देखने को वहां जाता है ठीक है आइएगा बड़ा मिलान करते जाइए पाठम, पठितुम फलम खादितुम प्रश्नम प्रशुम लेखम लेखितुम जलम पात भोजनम खादितुम क्रीडाम, क्रीड़ा द्रष्टुम यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा ये ये है द्रष्टुम ये द्र है द्र द्रष्टुम चा तत्र गच्छति ठीक है ये द्र है द्र ऐसा द्रा आगे का वाक्य है अष्टम वह पुस्तक रखने को धन ले जाने को शत्रु को मारने को वृक्ष काटने को और नहाने को यहां आता है ठीक है चलिएगा मिलान कीजिएगा इसका सा पुस्तकम धरतुम धनम नेतु शत्रु हंतुम वृक्षम छेत्रुम स्नातुम चात्र आगच्छति। ये हो गया क विभाग का आपका नवम खा विभाग अब खा गया। नवमम यहाँ पर एक बालक एक कन्या और एक पीला फूल है आइएगा अतः बालक एक कन्या एकम पीतम चा संति ठीक है सरल है दशमम एक शिष्य और एक बालिका को यह लाल पुस्तक दो आइएगा एक शिष्याय एक बालक बालिकाए और आपका है एकादशम एक वन में एक बाघ रहता था ठीक है तो एकस्मिन वने एक व्याघ्र वसती स्म द्वादशम वहां पर दो शिष्य दो बालिकाएं और दो नीली पुस्तकें हैं तत्र द्वौ शिष्यौ द्वे बालिके द्वे नीले पुस्तके च सन्ति ठीक है ग विभाग त्रयोदशम तेरहवा वह हरि पुस्तक खरीदता है तो सा हरितम पुस्तकम क्रीणाति तू फल खरीदता है तम तो फलम क्रीणासी ठीक है यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं यहां एक वचन की जगह बहुवचन भी कर सकते हैं फलानी दोनों सही है ठीक है आपने फलानी किया वो भी सही है ये फलम किया है तो भी सही है दोनों का एक ही है ठीक है पंचदशम मैं सफेद वस्त्र खरीदता हूँ अहम श्वेत वस्त्र क्रीणा षोडशम वह अन्न खरीदे सोन्नम तो क्रीणातु ये सो संधि कर दिए मैंने आप संधि आपको पता है सह अन्नम सोनम सप्तशम उसने पशु खरीदा सा पशु अक्रीड़ा अष्टादशम वह धर्म को जानता है सा धर्मम जानती एक तू सत्य को जान तव सत्यम जानी विश्व तमम मैं पुस्तक को ग्रहण करूं अहम पुस्तकम गृहणानी लोट लकार का आएगा ठीक है चलिएगा ये तो आपके बीस वाक्यों का मिलान हो गया फिर आगे ग विभाग के बहुवचन बनाने थे आपको तो ये ग विभाग के बहुवचन के मिलान कर लीजिएगा ठीक है त्रयोदश ते पुस्तकानि क्रीणन्ति चतुर्दशम क्रीणती चतुर्दशा क्रीणीथ पंचदशम व्वेता वस्त्राणि क्रीणीमः षोडशम तेन्नम क्रीडंतु यहां पर भी संधि कर दे ते अन्नम तेन्नम ठीक है सप्तदशम ते पशुन अक्रीडन अष्टादशम ते, ते धर्मम जानन्ति एकोनविंशतितमम यूयम सत् गृहनामा ठीक है ये आपका कंप्लीट मिलान करा दिया अब संधि थी इसमें नीचे सरल संधियां थी उनका भी देख लीजिएगा हरि प्लस तत्र तो हरिस्तत्र कहा प्लस तिष्ठति कस तिश्थती? राम प्लस रामश्च हरि प्लस च हरिश्च ये आपके अट्ठाईस अभ्यास अष्टाविंशति अभ्यास अट्ठाईस अभ्यास कंप्लीट करा दिए दो अभ्यास और शेष हैं इसमें ठीक है क्या दो अभ्यास और शेष हैं आगे की कक्षाओं में दो अभ्यास पढ़ेंगे और इसमें जो प्रत्यय आ गए हैं उसके अलावा कुछ और एक दो प्रत्यय आपको मैं पढ़ाऊंगा और समास पढ़ाऊंगा ठीक है उसके बाद होगी पूरी पुस्तक की परीक्षा परीक्षा भविष्य परीक्षा की तैयारी आप लोग अभी से तैयारी करें और अच्छी प्रकार से करें पीछे पूरी तैयारी करें आप सौ में से सौ अंक लाए शतम सौ में से सौ अंक आने चाहिए तब आनंद आएगा थीके? तो ये आपका हो गया आज का जो गृहकार मैंने आपको दिया था उसका मिलान हो गया ठीक है तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं और अब उनतीसवें अभ्यास के साथ मिलते हैं ठीक है चलिए सर्वेभ्यो नमः